नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा में वोट डाले गए। इस दौरान आज यूपी के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई तो वहीं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में वोटिंग संपन्न हुई। यूपी की बात करें तो दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 60% वोटिंग हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर जिले की विधानसभा बेहट 1 बूथ नंबर 127 पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। यूपी के संभल जिले में असमौली विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र उर्फ रिंकू की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। कहा जा रहा है कि हमलावर लाठी डंडों से लैस थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुरादाबाद के कुंद्रिकी विधानसभा 29 में नगला जाटनी के कई ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुरादनगर विधानसभा 28 बूथ संख्या 33 और 36 पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से संज्ञान लेकर निष्पक्ष मतदान की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बदायूं जिले की दातागंज विधानसभा 117 बूथ संख्या 364-65 पर फर्जी वोटिंग हुई है। वहीं सहारनपुर में पीठासीन अधिकारी राशिद अली खान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नकुड़ विधानसभा के सरसावा के बूथ नंबर 227 पर उनकी ड्यूटी लगी थी। सपा के युवा नेता अब्दुल्ला आजम ने रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज में अपना वोट डाला। आजम खान के बेटे स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां की 70 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 65% वोटिंग हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपना वोट डाला। हालांकि कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अपना वोट नहीं कर पाए। नैनीताल सीट पर चुनावी व्यस्तता के चलते वो मतदान के लिए देहरादून नहीं आ सके, जिसकी वजह से वो वोट नहीं डाल सके। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने उत्तरकाशी जिले के जोशियाडा में अपना वोट डाला। यहां की केदारनाथ विधानसभा सीट के 2 गांवों के मतदाताओं ने सड़क ना बनने के विरोध में वोट नहीं डाला। यहां के टिहरी जिले के कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन कम रोशनी में रखे जाने का आरोप भी लगाया गया, जिससे बुजुर्गों को मतदान में दिक्कत हुई। गोवा की बात करें तो यहां की 40 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कौतांबी में मतदान किया। गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर और उनकी मां ने भी मतदान किया। राज्य की 40 विधानसभा सीटों के लिए 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। परंपरागत रूप से गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार ये मुकाबला बहुकोणीय दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य पार्टियां भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।